Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शलजम की भुजिया की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने फ्रोजन किए हुए थे शलजम कट करके, तो और इस तरह मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया था। तो ये मैंने ले लिया है और मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन हाफ कप जितना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्चें। मैं यूज कर रही हूँ 1.5, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ हल्दी, वो भी मैं 1/2 टीस्पून के करीब ले रही हूँ। और साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, वो मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जितना कसूरी मेथी, ये ऐड कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसको स्टीम देके अच्छा सा गला लूँगी। तो इसको जो है मैं गला लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट की स्टीम लगा ली थी। तो अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद आप किसी भी मेशर से लेके इसको हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करके हम इसको मैश कर लेते हैं। इतना अच्छा सा ये मैश हो गया। अब इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब मैं शामिल करने लगी हूँ थोड़ा सा धनिया मैंने लिया है, हरी मिर्चें, और 2 टीस्पून जो है मैंने चीनी के लिए हैं, और 1 चम्मच जो है मैंने गरम मसाले का लिया। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छा सा पानी इसका खुशक कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मिला के इसको हम अच्छा सा पका लेंगे कि इसका तमाम पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। और साथ ही हम इसका अब तड़का बनाएंगे। तो तड़के के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको जो है अच्छा सा हम भून के पानी को खुशक करें, साथ हम इसका तड़का भी बना लेते हैं। अब मैंने ऑयल ले लिए हैं, तकरीबन ये 5 से 6 टेबलस्पून जितना ऑयल है, आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। और इसको तड़का देने के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम प्याज, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 4 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च के लिए हैं, 1.5 टीस्पून मैंने जीरे का लिया है, और साथ मैंने 1/4 टीस्पून हींग का लिया है। तो सबसे पहले हम इन मिर्चों को और जीरे को और हींग को तेल में शामिल करके थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर हम इसमें ओनियंस डालेंगे। तो अब इसको मैं डाल दिया है, ये थोड़ा सा पक लेता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जीरा हमारा पकने लगा है, तो अब जो है इसको प्याज शामिल कर देते हैं और प्याज को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। तो अब हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई हैं और हमारा तड़का जो है बिल्कुल तैयार है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ शलजम। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल, देखिए पानी इसका अब जो है मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये जो मैंने तड़का बनाया है इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसको हम अच्छा सा भून लेते हैं। इसको अच्छी सी मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ और तकरीबन इसको जो है आप 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा भून लें। और उसके बाद जो ये शलजम है ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको जो है 4 से 5 मिनट के लिए मैं अच्छा सा इसकी भुनाई कर लेती हूँ और फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है और ये शलजम बिल्कुल रेडी है। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार हमारी शलजम की भुजिया बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।